आज मिडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए प्लास्टिक टॉय मेकिंग बिजनेस पर एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आया है। अगर हम कई अंकों पर ध्यान दें तो 75% खिलौने भारत में बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए टॉय मेकिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। प्लांट एंड मशीनरी, इस बिजनेस के लिए हमें ब्लो मोल्डिंग मशीन की ज़रूरत होती है। इस मशीन द्वारा हम प्लास्टिक बॉल, बैट, हॉकी स्टिक ऐसे अनेक खिलौने हम बना सकते हैं। रॉ मटेरियल HDPE ग्रैनुल्स। प्रोसेस, सबसे पहले हॉपर में HDPE ग्रैनुल्स डाले जाते हैं। ये HDPE मटेरियल हॉपर से स्क्रू बैरल की मदद से हीटर में जाते हैं, जहाँ पर इस ग्रैनुल को एक विशिष्ट टेम्परेचर पर गर्म करके मेल्ट किया जाता है। इस मेल्ट किए हुए मटेरियल को मोल्ड में भेजा जाता है, जहाँ पे मटेरियल को बॉल, बैट ऐसे खिलौने का आकार दिया जाता है। अब इस तैयार खिलौने को रूम टेम्परेचर पे कूल होने के लिए रखा जाता है। अब इस तैयार खिलौने के अनवांटेड मटेरियल को रिमूव किया जाता है और पैक करके बाज़ार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने प्लास्टिक टॉय मेकिंग बिजनेस के बारे में जानकारी हासिल की। ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए दोनों वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो। ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया के लिए आप हमारे YouTube चैनल मीडिया उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।